जय श्री राम, जय श्री महाकाल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों तो बहुत कमेंट है दोस्तों कि मीने के बारे में बताओ, मीना जो हम भरते काम में वगैरह, मीने के बारे में बताओ बोल के बहुत है। तो दोस्तों उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे मीने के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कैसा होता है, क्या होता है, देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए बात को और करिए आप भी काम। तो देखिए दोस्तों, ये अपना मीने का पूरा पॉकेट है दोस्तों। लगभग ये लगभग 8 साल के बाद मैं आज खोल रहा हूँ। मैं लगभग ये काम बंद कर दिया वीडियो बनाने के चक्कर में दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं काम करता नहीं है। मेरे पास जितने कलर हैं दोस्तों, आज शायद ही एक कलाकार के पास इतने कलर मिलेंगे, कोई भी एक कलाकार के पास इतने कलर नहीं मिलेंगे, उसको ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा। मेरे पास दुनिया भर के कलर है दोस्तों। डार्क ग्रीन, ये मेहंदी कलर, ये देखिए दोस्तों कितने कलर है अपने पास। ये कौन सा कलर है, ये लाइट ग्रीन है। ये तो पुराना दोस्तों, आज से बहुत पुराना दोस्तों, यूँ समझ लो, बताऊंगा आपको। ये देखो लाइट रेड है इसमें। ये कौन सा कलर है दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर ये ब्लैक कलर है दोस्तों। ये टोटल मिक्स कलर है दोस्तों, ये देखिए नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बहुत ढूंढ ढूंढ के जमा करके रखा है दोस्तों। ये देखिए ये कौन सा कलर है, एकदम केरोसिन कलर है दोस्तों। ये केरोसिन का जो कलर रहता है ना, ये वो कलर है, देखिए दोस्तों आपको समझ में आता होगा। ये भी इसकी पूरी अलग चीज़ है वो दोस्तों, एकदम ये ब्लू ब्लू है, डार्क ब्लू। ये फिर गोल्डन कलर है दोस्तों, बहुत कलर है दोस्तों। ये देखिए फिर ये वापस ब्लू कलर है, इंग्लिश ब्लू है दोस्तों, ये ऐसा है। ये देखिए दोस्तों केरोसिन केरोसिन कलर है, ये इसमें बहुत है कलर अपने पास। मैं आपको बताऊंगा इसमें कि एक दो कलर ये सफ़ेद कलर है दोस्तों, लेमन कलर है दोस्तों। ये देखिए ये लाल कलर है, ये ग्रीन है, ये अलग ही चीज़ है दोस्तों अपने पास। और ये जो है दोस्तों, ये देखिए ये सब पुराने ज़माने में जो चलते थे दोस्तों, पहले के लोग जो वापरते थे, ये वो कलर है सब, एकदम पुराने कलर, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों ये सब आज बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ मिलेगी दोस्तों, अपने पास है। इसमें के दो तीन निकालूंगा और आपको बताऊंगा मैं भर के। ये देखिए दोस्तों, ये सब पुराना, एकदम बहुत पुराना चीज़ है दोस्तों, आज ये कलर मिलेंगे ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक कलर भरने के बाद में ऐसा कलर आएगा इसका, गोल्डन कलर। तो एक दो तीन आइटम मैं लेता हूँ इसमें से और आपको तरीका बताता हूँ, बाकी फिर आप अपने हिसाब से काम करिए। ऐसी वाटी मिलती है दोस्तों, ये कोई भी टूल्स के दुकान में मिल जाएगी। इसमें से मैंने दो कलर ले लिया, एक लाल और एक हरा, जो सबसे ज़्यादा चलता है। मैं सिर्फ आपको वीडियो बताने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, बाकी ये मीना है दोस्तों, ये टूल्स के दुकान में मिल जाएगा दोस्तों। मीना कहाँ मिलोगे, मिलेगा पूछे तो ये टूल्स के दुकान में मिल जाएगा आपको। जितने भी कलर चाहिए इसको बारीक पीस लेना है इसे। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए दोस्तों ये इतना ही, इसको पीस लेना है ऐसे और इसको धो लेंगे आप। इसको ऐसे एक दो बार एकदम पानी एकदम अच्छा चाहिए दोस्तों, मीना धोने के लिए ना बेकार पानी नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सा धो लेंगे दोस्तों ऐसे 3-4 बार ज़रा, और इसमें थोड़ा एसिड डाल के साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों इसको। ये एसिड है दोस्तों, चांदी का तेजाब बोलते हैं इसको, सल्फ्रिक, इंग्लिश में सल्फ्रिक बोलते हैं। ये थोड़ा सा इसको एसिड में, इसका जो इसके ऊपर जो कार्बन है मीने के ऊपर, वो सारा निकल जाएगा दोस्तों। तो ऐसा थोड़ा इसको फिर धो लेंगे, इसको धो लेना है एकदम कड़क 8-10 बार पानी से एकदम अच्छा धो लेंगे, फिर बाकी बताऊँगा आपको। तो दोस्तों ये पूरा धोने के बाद में इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मुझे तो सिर्फ वीडियो बनाने दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा सा घसा हूँ, आपको ज़्यादा चाहिए तो इसको थोड़ा प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। और मीना दोस्तों हमेशा पानी में भीगा हुआ चाहिए, अगर मीना एक बार सूख गया तो उसको डबल एसिड में साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान में रखिए इस बात को। मीना हमेशा एक डब्बी में निकाल के रख लीजिए, आपका काम अगर ज़्यादा है तो एक डब्बी में निकाल के रख लीजिए। मीना हमेशा गीला चाहिए, और जब भी मीना भरो तो कम से कम 2 बार अच्छे पानी से धो लिया करो दोस्तों। मीना एकदम क्लियर कट कलर आएगा, एकदम अच्छा कलर आएगा मीने का।
ऐसा हम इसको रख देंगे। अभी हम दोस्तों इस पर ग्रीन ग्रीन मीना घसेंगे। देखिए दोस्तों ये डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन भी थोड़ा। एकदम बारीक नहीं करना दोस्तों, मीडियम रखने का, एकदम जीरो पॉइंट नहीं करने का, वरना आधा मीना वेस्ट हो जाता है इसमें। बस दोस्तों इतना देखिए हल्का। अब इसको वही सिस्टम है दोस्तों, तेज आप में डाल के धोना है, 8-10 बार अच्छे से धो के प्लेट में निकाल लेंगे। कम से कम 8-10 बार धोना है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी एसिड का अंश भी रहने नहीं चाहिए। एकदम फिल्टर के पानी से धोइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लाल ग्रीन, और ये लाल है, हरा है, और ये वाइट कलर। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर सिस्टम। अब इसके दोस्तों ऐसा तो मीना नहीं भर सकते, मीने के पीस बनाएंगे पहले, फिर बताता हूँ भर क्या। तो मीने के पीस बनाएंगे दोस्तों। ये हमारा तार है, बेनी का तार, और ये पट्टी है। एक 5-6 पीस बनाऊंगा मीने, अलग 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 आपको बताने के लिए। आपको पता लग जाएगा कैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों ये मैंने कुछ पीस बना लिया है, इसको हम पट्टी पे जॉइंट करेंगे, फिर इसके अंदर हम मीना भरेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा तैयार। ऐसा ब्रश ले लेना है आपको एक, और बस इसमें मीना भरते जाइए। ये लाल, ये ग्रीन, ये ब्लू कलर दोस्तों। आप इसमें एक पीस में दोस्तों डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल कलर भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, आप इस कोने में भर दीजिए लाल, ऐसा बरोबर सेंटर पकड़ के, और इस कोने में भर दीजिए दोस्तों ग्रीन, डबल शेड हो जाएगा आपका, वो एक सिंगल पीस में डबल कलर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ऐसे, ऐसे डबल कलर हो जाएगा दोस्तों। डबल कलर भर रहे दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत कलर है दोस्तों, आप अलग 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 कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों इसमें हम सिंगल कलर दे देंगे, और इसको अब हम ये हो गया दोस्तों हमारा। अब इसको हम गर्म करेंगे। तो दोस्तों इसको ऐसे धीरे 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 पहले हीट मारना है, पूरा सूखने के बाद में कड़क हीट मारी दोस्तों। और दोस्तों 90% ये मीना जो है 90% दोस्तों इसको नीचे से हीट लगना चाहिए, और 10% सिर्फ ऊपर से। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस टाइप से। देखिए दोस्तों मीना अपने आप बैठेगा, और लास्ट में 10% सिर्फ दोस्तों ऊपर से हीट मारना है हमको।
सिर्फ ऐसा हल्का हल्का हीट मारना है दोस्तों, बस ये देखिए दोस्तों, ये मीना हमारा भर के हो चुका है। सिंगल सिंगल हाथ में इतना ज़बरदस्त कलर आया दोस्तों। अब मैं आपको और थोड़ा सा इसके आगे के स्टेप बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा ये मीने पीस के अंदर सेंटर में कई कई जगह पे सेंटर के अंदर एक वाइट टिप की रहती है, वाइट बूंदी रहती है दोस्तों। ये चीज़ है, इसका हमको एकदम बारीक सा दाना उठा लेना है दोस्तों और इसके सेंटर में रख देना है इसे। ये देखिए मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, एकदम छोटा सा इसका बारीक सा दाना उठा के हमको इसके सेंटर में रख देना है इसे, और फिर हम हीट मारेंगे तो ये वाइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम फिर से हीट मार देंगे। अब इसको मैं तेज़ आप में साफ़ करके बताता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से ये काम होता है। तो क्या मीने का काम ये इस टाइप से होता है। कलर देखिए दोस्तों, एकदम ओरिजिनल कलर, ऐसा देखने के बाद में दिल खुश होना चाहिए, ऐसा कलर है दोस्तों एकदम। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से मीने का काम होता है दोस्तों। ऐसा ये सिस्टम है दोस्तों। बस दोस्तों, मीना एकदम बारीक पीसी है, अच्छे से उसको तेजाब में साफ़ करके 8-10 बार पानी में, और ये मीना जब भी डब्बी में डाल के रखो, ये सूखना नहीं चाहिए दोस्तों, बस उसका ध्यान रखिए। सूख गया तो वापस तेजाब डाल के डबल धोइए, चलते रहेगा मीना। डीप मीने का सिस्टम जो है दोस्तों, डीप मीना जो बोलते हैं, समझो हम नाम निकाल रहे, अल्फ़ाबेट निकाल रहे या कोई डिज़ाइन निकाल रहे, तो डीप मीना तो सबसे पहले प्लेन पत्रे के ऊपर उसको ऐसा खोदकाम करके जो भी हमारी डिज़ाइन है इसके ऊपर, जो भी डिज़ाइन है उसको हम ऊपर का हिस्सा रहने देंगे दोस्तों, जो नीचे कैसा जा रहा है उसको ऐसा डिप करके माल थोड़ा नीचे उतारेंगे, सोना निकाल लेंगे ऐसा छील छील के उसमें से, और जो माल जो हम जो भी हम डिज़ाइन निकाले बस उसके ऊपर मीना भर के हीट मारे दोस्तों, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम इसका है दोस्तों। जो भी हम कर रहे हैं अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी सिस्टम कर रहे हैं, कभी अगर डिप मीने का काम अगर आया तो दोस्तों मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, वो चीज़ बना के मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी तो फिलहाल नहीं है, आपको मैं उसका सिस्टम बता रहा हूँ। तो डीप मीने का काम ये ऐसा होता है दोस्तों, छिले की कलम से उसको पूरा खोदना पड़ता है दोस्तों, खोद काम जिसको बोलते हैं उसको पूरा खोदना पड़ता है, उसके बाद अच्छे पानी से धो के उसको मीना भरिए, वो उस टाइप से डीप काम होता है। कभी अगर समझो आ गया ना तो मैं आपको बताऊँगा वो भी सिस्टम डीप काम कैसे करते हैं। अभी तो फिलहाल मीने का जो सिस्टम है वो बताया आपको मैंने, तो ऐसा इसका सिस्टम है दोस्तों। तो देखा आपने दोस्तों, ये इस टाइप से मीने का काम होता है। इसमें कई नमूने दोस्तों, डीप मीना मैंने आपको बताया डीप मीना कैसे करेंगे, एंग्रेविंग काम जो चलता है दोस्तों, जो प्लेन पट्टी के ऊपर लोग बारीक 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 छील के उसके ऊपर सिर्फ लाइनिंग बनाते हैं, उसके ऊपर ब्लैक मीना भरते हैं, तो उस टाइप से भी काम होता है दोस्तों। आगे जैसे जैसे बनाएंगे वीडियो आगे बाद में धीरे 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 धीरे, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा बनाएंगे। तो मैंने आपको मीने का ये सिस्टम बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना अपने प्यारे माता पिता का। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव दोस्तों।